पहले सब चीज़ें छिड़का पद्धति से गेहूं का वो बीजते थे पहले, अब तो हल चल गए सब में। बाजरी का ये हम जो अन्नकूट बनाते हैं, ग्यारह बारह क्विंटल के करीब हमने कड़ी बनाई, और बाजरी का खिचड़ा भी हमारा डेढ़ क्विंटल के करीब बाजरी दाल मिला के और बढ़िया उसमें देसी घी डाल के। अन्न को भोग लगाना है जी, मीरा बाई ने खिचड़े का भोग लगाया, कर्मा बाई ने खिचड़े का भोग लगाया, तो ये खिचड़ी का भोग तो भगवान को सर्वप्रिय है, लेकिन राम इस जीव का आधार है और ये नाम रहेगा राम के साथ। ये दीपावली का पर्व इसी प्रकार हर्षोल्लास से लोग मनाते रहेंगे। इस वर्ष दो दीपावली हुई, जैसे मान लो अगले साल भी 2025 में ये दीपावली का पर्व इसी प्रकार से दो दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि पत्रों में हमने तो देख लिए आ जाते हैं, लेकिन आप अगर 100 साल के या 80 साल के पंचांग पुराने, 1980 में मैंने खरीद लिया था, मेरे पास पड़ा है 40-45 साल पुराना, उसमें इस साल की दीपावली 1 नवंबर और अगले साल वाली भी वो दूसरे दिन की पूरी लगाई हुई है अमावस्या की, लेकिन लोग दो मनाएंगे। मैं तो कहता हूँ पांचों दिन दिवाली और दूसरा भाई सदा दिवाली सादगी, आठों पैर बसंत। हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, हमारा समाज समृद्ध हो, हमारे देश के अंदर उन्नति हो। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा, और इस समय मेरे साथ हाजिर हैं वरिष्ठ पंडित कमल किशोर शर्मा जी। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज गोवर्धन पूजा यानी कि अन्नकूट का पर्व है, और इसी अन्नकूट पर्व के साथ आइए पंडित जी से हम बातचीत करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका हाजिर चैनल है क्या? हाजिर, क्या बात है, आप तो हाजिर हो गए त्यौहार के ऊपर, बड़ी खुशी की बात है। सब धर्म प्रेमियों को सिरसा से मैं पंडित कमल शर्मा खजांचियों के मंदिर से आपके रूबरू हो रहा हूं। और देखिए, दीपावली जो पर्व है ये पंच दिवसीय पर्व होता है, इसमें सर्वप्रथम धनतेरस, फिर आती है छोटी दीपावली, उसके बाद बड़ी दीपावली, फिर आता है अन्नकूट पर्व। हाँ जी, अन्नकूट पर्व के दिन हमारे लोग वो रामनवमी वाला भी बोलते हैं इसको, और विश्वकर्मा डे भी, इस दिन हमारे मिस्त्री औजार वगैरह को धो के उनकी विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। तो कल भैया दूज हो जाएगी, भाइयों को तिलक करेगी बहनें, यमुना वाला, हाँ यमुना का पर्व। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे पुराने समय से, जब से भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में वापस आए तब से ये दीपावली का जो महत्व है, दीपदान का, ज्योति का पर्व है, खुशियों का पर्व है, इसके ऊपर जो मिठाई खिलाना वो भी एक सुख शांति समृद्धि और खुशी हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ये जो अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा, ये बात है कि काफ़ी जो लोग हैं जानने की इच्छुक हैं कि अन्नकूट का आखिर अर्थ क्या है। ये गोवर्धन पूजा से जुड़ा हुआ है। अब देखो, गो संवर्धन हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है ना, मतलब कोई भी चीज़ है, गौ हमारी सर्वप्रथम माता है, और कृष्ण जी को तो गौ से बहुत प्रेम था, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय में कहते हैं इंद्र को घमंड हो गया, वो कहता जी मेरी पूजा करो सभी, अगर नहीं करोगे तो मैं अतिवृष्टि करके तुम सबको नष्ट कर दूंगा। तो वहाँ तो वृंदावन में तो सब कृष्णमय था, पूरा राष्ट्रीय, पूरा हमारा विश्व कृष्णमय था, तो उसका घमंड तोड़ने के लिए उसने अतिवृष्टि की, भयंकर बारिश हो गई वहाँ, फ्लड की जैसी स्थिति हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चिटली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर और जितनी भी उस समय में प्रजा थी, उस प्रजा को और गौओं को सबको उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय दिया,
उससे इंद्र का घमंड चूर हुआ, भाई ये श्री कृष्ण जो है ये कोई विशेष प्रभु की कृपा से इनका अवतरण हुआ है और ये स्वयं हरि है, उसको विश्वास हो गया। तो त्रिलोकी की माया थी वो, और हमारे लोग जो है, चूँकि देखो पर्वों के अंदर तो यही है भी कुछ भगवान को भोग लगावें, कुछ समाज में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते, दिवाली पर्व तो करते ही हैं, अब भगवान का करने का आनंद भी लें। तो तब से ये अन्नकूट नाम से क्या हल के बगैर बनी हुई वस्तुओं का भगवान को भोग लगाते रहे हैं। पहले सब चीज़ें छिड़का पद्धति से गेहूं का वो बीजते थे पहले, अब तो हल चल गए सब में। बाजरी का ये हम जो अन्नकूट बनाते हैं, बाजरी तो आज पंडित जी विशेष एक महत्व रहता है, बाजरी का खिचड़ा, बाजरी ही तो बगैर हल के बीजी जाती है ना, इसमें जो हल की चीज़ें नहीं प्रयोग होती वही जो है वो प्रसाद बनता है भगवान का। और कड़ी बनाते हैं तो उसमें भी लगभग वही चीज़ें होती है। तो आजकल तो देखो आधुनिक खेती के 100 उपकरण बन गए, सब चीज़ें हो गई। भगवान को भोग लगाना है जी, मीरा बाई ने खिचड़े का भोग लगाया, कर्मा बाई ने खिचड़े का भोग लगाया, तो ये खिचड़ी का भोग तो भगवान को सर्वप्रिय है। आप देखिए, आप चले जाएँ जगन्नाथपुरी में, वहाँ भी खिचड़ी का भोग भगवान को लगता है। आप चले जाएँ तिरुपति बालाजी में, वहाँ भी खिचड़ी का भोग भगवान को लगता है। तो ये भगवान को सबसे प्रिय वस्तु है खिचड़ी जो है, तो ये खिचड़ी का भोग और साथ में कड़ी, और उसके बाद समय के अनुसार आज जैसे बच्चों को देखो खुशियाँ होती है, पूरियाँ भी बनाते हैं, हलवा भी बनाते हैं, सब्जी भी नाना प्रकार की बनाते हैं, कभी कुछ व्यंजन बना के। एक तो भगवान को भोग लगाना, फिर उस प्रसाद का वितरण करना। ये हमारा जो खजांची मंदिर है, इसका प्रसाद प्राचीन समय से, काफ़ी समय पहले भी मेरे को याद है, हम सारा सामान इकट्ठा करके हमारे परिवार वालों के घर से सब्जियां आती थी बन के, एक दो परिवार पूड़ियां देता था बना के। अब वो समय तो वो जो पब्लिक थोड़ी थी तो थोड़ा प्रसाद बनता था, आज ये एक विशाल भंडारे का रूप ले चुका है। इसके अंदर देखिए 11-12 क्विंटल के करीब हमने कड़ी बनाई, और बाजरी का खिचड़ा भी हमारा 1.5 क्विंटल के करीब बाजरी दाल मिला के, और बढ़िया उसमें देसी घी डाल के, है जी, बढ़िया क्वालिटी का देसी घी डाल के, और उसका भगवान को भोग लगाया, और 2 क्विंटल के करीब हमारी सब्जी बनी है। जी पूरे शहर में चर्चा रहती है कि सिर्फ खजांचा मंदिर के अंदर ही प्रसाद लिया जाए, हालांकि आजकल तो भिन्न भिन्न मंदिरों में जरूर प्रसाद बनता है, लेकिन एक रहता है कि खजांचा पुराने समय से यहाँ ये खिचड़ी का प्रसाद बनता आ रहा है, और लोगों में ये रहती है इच्छा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रसाद जरूर यहाँ से लिया जाए। यहाँ से लिया, देखिए ये मंदिर जो है ये बहुत प्राचीन है, 150 साल पुराना तो मेरे ख्याल हमारे खजांची परिवार का जो ट्रस्ट का इतिहास है वो है, और उससे भी पहले मंदिर बना हुआ था। ट्रस्ट तो बाद में बनाते हैं, पहले जब हमारे इनके बुजुर्ग जिन्होंने लाला राम सुखदास जी जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की, उस वक्त शहर बचा था तो गिनती के 2-4 मंदिर यहाँ होते थे। तो उन प्राचीन मंदिरों में लोगों की जबान पर है, उनको यहाँ आकर खुशी होती है, उनको यहाँ एक किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। जो आदमी जितना मर्जी चाहे डाल के ले जाना चाहे डाल के ले जावे, कम से कम 800-700 या 1000 आदमी यहाँ पर बैठकर भी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और शहर का ये 2 ही टर्निंग पॉइंट थे जहाँ सिर्फ बंदर रहते थे, अगर यहाँ की बात करें तो इसी मंदिर के पीछे पीपल का वृक्ष, मंदिर के अंदर बंदर और एक बांद्रा पुली, यानी पूरे शहर के 2 ही पॉइंट, 2 ही मंदिर। ये सही है आपकी बात, यहाँ पर जब ये पार्क नहीं बना था उससे पहले यहाँ पर तालाब होता था, और उस तालाब के पानी में, और यहाँ पर वृक्ष बहुत थे, पेड़ पीछे हमारे मंदिर के पीछे भी बड़े बड़े पीपल के पेड़ होते थे। तो वो समय के अनुसार समय बदल गया, यहाँ बंदर बहुत होते थे, 30-40 बंदर होते थे। फिर वो जैसे जैसे ये पार्क बना, तालाब का पानी था वो नहाते थे, यहाँ पर तो लोग ये मानते थे हनुमान जी का स्वरूप है, यहाँ आते थे लोग बंदरों को भी केले डालना, चना वगैरह डालना, ये सब करते थे। तो मंदिर में और में सब ये चीज़ें एक खुशी की बात होती थी तब। अब वो बंदरों वाला तो क्योंकि शहर के बीच में भीड़ हो गई, जनता के बीच में अब वो जानवर है, मान लो जीव जंतु तो जनता कहीं ना कहीं कुत्ते भी रहते हैं मोहल्ले के अंदर, तो उससे भी एलर्जी का है भी, ये कुत्ता पड़ोसी।
नहीं, कुत्ते से कोई एलर्जी नहीं है लोगों को, कुत्ता तो इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है आजकल। आपने देखा नहीं कितने महंगे कुत्ते आते हैं? और हमारे तो देखो, हम तो शास्त्र की बात करेंगे, धर्म की करेंगे। मैं कबीर का एक वो दोहा सुनाता हूँ आपको, रहीमन ओछे नरन सो वैर भली ना प्रीत, और काटे चाटे स्वान जो दो भांति विपरीत, है ना। तो कुत्ते का तो देखो काटना और चाटना दोनों चीज़ बुरी है। हमारे यहाँ मच्छर वगैरह बहुत होते हैं। मेरे पास एक मिलने वाले आते थे मलिका की तरफ से, वो कुत्ता पालती थी पामेरियन छोटे वाला वाइट, तो वो उसको कई मच्छर काट गया हुआ और उस कुत्ते ने उसको चाट लिया। 6 महीने बाद वो लेडीज अड़का के उसकी डेथ हो गई। तो कुत्ते का तो ठीक है, दरवेश है घर के बाहर, कुत्ता होना चाहिए कोई बात नहीं, उसकी सेवा भी कर सकते हैं, उसको खाना भी डाल, वो सब गऊ के लिए कुत्ते के लिए हमारे समाज में सब लोग करते हैं। देखो ये तो धर्म की चीज़ है। अगर बात करें तो इस बार देश के अंदर 2 दीपावली पर्व बनाए गए, तो कहीं ना कहीं आपका नाम इन पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्रियों में नाम आता है आपका। तो इस बार जो 2 दीपावली बनी, तो इसके अंदर अलग अलग तरक ज्योतिष शास्त्रियों के थे, तो पूरे हरियाणा के अंदर तो दीपावली कहीं ना कहीं 31 तारीख को भी मनाई गई और 1 नवंबर को भी कहीं ना कहीं ये दीपावली बनी। देखिए बात ये है, हमारा देश बहुत बड़ा है, दूसरा ज्योतिष का विचार और जो व्रत पर्व व्यवस्था है उसके लिए हमारा धर्म सिंधु निर्णय सिंधु और हमारे राष्ट्रीय पंचांग जो निर्णय दे उसको सभी को मानना चाहिए। अब ज्योतिष के नियम में कुछ पूजा का जो नियम है, रात को लोग पूजा करते हैं, लोगों को मन में ये भावना थी भी 1 नवंबर वाली दिवाली में शाम को 6:30 बजे के बाद फिर सिंह लगन में हमारे पूजा कैसे करेंगे, तो जो पूजा करने वाले वो पहले करें। फिर ये 5 दिवसीय त्यौहार है, आप ये मत भूलो कि 2 दिवाली, दिवाली 5 दिन की है, ये छोटी दीपावली थी। हाँ, उससे पहले धनतेरस थी, कर्मानुसार, क्योंकि दीपावली तो एक श्रृंखला अपने साथ, श्रृंखला ये एक त्यौहार की श्रृंखला है। आप देखो मोदी जी ने 30 तारीख को, योगी जी ने 30 तारीख को अपने जो सबसे बड़ा धाम है जहाँ समझो कि राम साक्षात विराजमान हुए हैं और 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में, वहाँ पर जो दीपावली के 22 लाख कितने दीपक जलाए गए जो अपने आप में एक उदाहरण है, वो उन्होंने 30 तारीख को वहाँ पर प्रज्वलित किए। तो दीपावली कोई 30 तारीख की नहीं होगी, लेकिन ये श्रृंखलाबद्ध त्यौहार है, 5 दिन का है, अपनी खुशियों से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और कल 1 तारीख को आप देखिए हमारे 4 धाम है जो मेन मुख्य रूप से 4 धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, उन 4 धामों पर कल जो है दीपावली का उत्सव मनाया गया है। और अयोध्या में तो परसों भी था, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब तो भगवान बच्चों की तो है, देखिए राम का नाम है, वो जो कहते हैं ना राम नाम सत्य है ना, जब राम ही शरीर में से निकल जाएगा तो बाकी तो कुछ बचना ही नहीं है। तो राम का नाम जब तक ये पृथ्वी है तब तक इस सृष्टि में राम का नाम रहेगा, चाहे उसको किसी भी तरीके से कोई किसी रूप में उसको स्मरण करे पूजे वो एक अलग बात है, लेकिन राम इस जीव का आधार है और ये नाम रहेगा। राम के साथ ये दीपावली का पर्व इसी प्रकार हर्षोल्लास से लोग मनाते रहेंगे। इस वर्ष 2 दीपावली हुई, जैसे मान लो अगले साल भी 2025 में ये दीपावली का पर्व इसी प्रकार से 2 दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि पत्रों में हमने तो देख लिए आ जाते हैं, लेकिन आप अगर 100 साल के या 80 साल के पंचांग पुराने, 1980 में मैंने खरीद लिया था, मेरे पास पड़ा है 40-45 साल पुराना, उसमें इस साल की दीपावली 1 नवंबर और अगले साल वाली भी वो दूसरे दिन की पूरी लगाई हुई है अमावस्या की, लेकिन लोग 2 मनाएंगे। मैं तो कहता हूँ 5ों दिन दिवाली, और दूसरा भाई सदा दिवाली सादगी 8ों पैर बसंत, दिवाली का ये सब लोगों को समाज को दिवाली जैसा ही एक हर्षोल्लास और खुशी का और आतिशबाजी का जो भी बच्चे करते हैं वो सब में खुशियां व्याप्त हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, हमारा समाज समृद्ध हो, हमारे देश के अंदर उन्नति हो,
देश के अंदर तरक्की हो, ये खुशियाँ इसी प्रकार एक दूसरे से समाज में हम मिलाकर आपस में खुशियों को भी शेयर करते रहे एक दूसरे से, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया है और अच्छे खुशियों से मनाना चाहिए। ऐसे त्योहारों के समय में मैंने देखा है समाज में कई बार बड़ी बड़ी मिसहैपनिंग्स हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया किसी हमारे मिलने वाले बहुत से परिवारों में। इस बार भी त्योहारों पर ये पता नहीं क्यों घटनाएं होती है, क्यों भगवान परीक्षा लेता है भाई। हमने तो वो भजन है कि हमारे पूज्य गुरु जी का, लेते हो भगवान परीक्षा हमने भक्तों से सुना, और बंदे की औकात क्या है सांवरे तेरे बिना। तो भगवान परीक्षा लेता है, ये पता नहीं किस रूप में लेता है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान तू अपने बंदों की ऐसे त्योहारों पर इस प्रकार की कोई दुर्घटना से और उनकी परीक्षा मत ले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे साथ देख रहे थे खजानचैन मंदिर से पूरे देश की एक मशहूर हस्ती और जिनका नाम देश के जाने माने ज्योतिष शास्त्रों में पंडितों में गिना जाता है, पंडित कमल किशोर शर्मा जी। और आज अन्नकूट के दिवस पर हम उनसे रूबरू हुए और ये हमारे साथ हाजिर हुए। तो आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा, और अगले अंक के अंदर हम उनके साथ फिर हाजिर होंगे एक नई विशेष चर्चा के साथ। तो धन्यवाद।